तो भारतीय बाजार में फोर्ड अपनी ला रही है अब तक की सबसे सस्ती एक और जबरदस्त एसयूवी कार, जिसको देखकर आप सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फोर्ड ने चीन में अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी टेरिटर से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे चीन के मार्केट में iX25 के मुकाबले में लॉन्च किया है। टेरिटर केवल चीन के मार्केट में ही नहीं बल्कि भारत में भी हम सभी लोगों के लिए लॉन्च होने वाली है। इस कार को कॉम्पोनेंट के साथ मिलकर भारत में लॉन्च किया जाना है। इससे चीन की टीआर 2 तथा टीआर 3 मार्केट को ध्यान में रखते हुए भारतीय ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। ये जावा वीचर के बनाई कंपनी का पहला प्रोडक्शन मार्केट में होने वाली है, जो कि फोर्ड पिछले कुछ समय से भारतीय ग्राहकों के लिए मध्यवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को भारत में बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। आखिरकार समय आ चुका है कि भारत में फोर्ड अपनी जबरदस्त सस्ती 4 मीटर कैटेगरी की एसयूवी कार टेरिटर को लॉन्च करने की पैमाना कर दिया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि भारतीय बाजार में आने वाली फोर्ड की अपकमिंग न्यू एसयूवी कार टेरिटर को हम सभी के लिए कंपनी के लाइनअप में इको स्पोर्ट से नीचे के पोजीशन में रखा जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस कार के स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई भी जानकारी भारत में नहीं दी है, लेकिन न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस कार को मार्केट में 1.2 लीटर के ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यूनिट ऑप्शन के साथ आप सभी ग्राहकों के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत की सड़कों पर आप सभी को 162 bhp की जबरदस्त मैक्सिमम पावर तथा इस कार के अंदर आप सभी को 5 स्पीड EMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने वाला है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ये कार भारत की सड़कों पर प्रति लीटर में आप सभी को 30 से लेकर 28 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखेगी, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दें कि फोर्ड की आने वाली न्यू एसयूवी टेरिटर नाम से फोर्ड एक एसयूवी पहले भी लॉन्च मार्केट में कर चुकी है, मगर कंपनी ने इस कार को ऑस्ट्रेलिया में 2004 से लेकर 2016 के बीच में इस नाम से इस एसयूवी को बेचा था। माना जा रहा है कि टेरिटर की कंपनी एक नए मार्केट सेगमेंट में अपनी जगह मौजूद करने के लिए भारत में इस कार को लॉन्च कर रही है। चीन में अभी फोर्ड केवल प्रीमियम कारें मार्केट में बेचती है। कंपनी इसे अगले साल की शुरुआत में यानी इस कार को भारत के अलावा अन्य देशों में भी निर्यात किया जाएगा। मार्केट में इस कार को हम सभी के लिए जुलाई के महीने तक फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वैसे तो दोस्तों फोर्ड ने अपनी न्यू एसयूवी टेरिटर की स्पेसिफिकेशन के मामले में पूरी डिटेल अभी तक खुलासा नहीं किया है, मगर न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस कार के बारे में हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इस एसयूवी के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी ले पाए तथा ये एसयूवी आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आए तथा आप इस कार को लेने का विचार जरूर बनाए। वैसे तो दोस्तों इस कार की प्री बुकिंग होली के बाद से स्टार्ट होने वाली है, ताकि इस कार को आप अपनी डीलरशिप के दौरान डायरेक्टली ही बुक कर सकेंगे। फीचर्स की बात करें तो भारत पे आने वाली फोर्ड की टेरिटर के अंदर काफी एडवांस फीचर्स आप सभी को इको स्पोर्ट्स वाले ही देखने को मिल सकते हैं। नई टेरिटर में आप सभी को नेविगेशन फीचर्स के साथ ही साथ भारत में इस कार को इनके मुकाबले 9 इंच के टच स्क्रीन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाएगा, जिसमें आप सभी को SNYC3 इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एप्पल कारप्ले तथा एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी सुविधा मिलने वाली है, जो कि नेविगेशन सपोर्ट तथा वॉइस कंट्रोल सिस्टम के साथ फुल्ली लोड होने वाली है। इसके अलावा इसमें फोर्ड पास इंटीग्रेटर का फीचर्स भी आप सभी को देखने को मिलने वाले है। इसमें स्मार्टफोन ऐप ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि फैक्ट्री फिटेड क्लाउड और कनेक्टिविटी डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर आपकी कार को ऑटोमेटिक पुश एंड स्टार्ट लॉकिंग तथा अनलॉक करने के लिए सहायता मिलेगी, तथा इस कार को आप अपने वॉइस कंट्रोल के हिसाब से भी फंक्शन को एडजस्ट करके अपनी राइड का पूरी तरीके से मनोरंजन लुप्त उठा सकते हैं, जो कि इस कार को काफ़ी एडवांस बनाते हैं। तथा इस कार के डैशबोर्ड की बात करें तो इस कार के डैशबोर्ड को बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन किया गया है, तथा इस कार के डैशबोर्ड में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन तथा ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है।
इस कार के डैशबोर्ड में आप सभी को क्रीज ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लाइटिंग के साथ इस कार की राइड को और भी ज़्यादा मनोरंजन आप सभी के लिए बनाने वाली है। इस कार के अंदर फुल्ली लेदर फैब्रिक के द्वारा अपहोल सीट ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि राइडर को बिल्कुल फट लुक आप सभी को देने वाला है। तथा इस कार की सीटों में आप सभी को काफ़ी अच्छे फैब्रिक लेदर का इस्तेमाल करके डिज़ाइन किया गया है। ये लुक की बात करें तो मार्केट में आने वाली फोर्ड की टेरिटोरा इको स्पोर्ट्स के मुकाबले काफ़ी स्टाइल मार्केट में देखने को लगती है। इस कार में सबसे बड़ा बदलाव आपको रियर सेंशन में ऑप्शन में देखने को मिलता है। इसमें नए टेल गेट्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्रोम स्टाइलिश और क्रीस नए बम्पर स्लैप ऑप्शन के साथ इस कार को और भी ज़्यादा खूबसूरती बरकरार करते हैं। इसमें नया डुअल टोन रियर बम्पर के साथ आपको सिल्वर इनसाइट ऑप्शन देखने को मिलता है। तथा इस कार में कंपनी ने 16 इंच की हाई ग्लॉक्स सिल्वर अलॉय व्हील ऑप्शन का प्रयोग किया है, जो कि डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ इस कार की खूबसूरती को भारत में और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में सेफ्टी फीचर्स की भी आप सभी को भारत में भरमार देखने को मिलने वाली है। भारत की सड़कों को ध्यान में रखते हुए इस कार की बॉडी को 60% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा तैयार करके डेवलप किया जा रहा है। तथा इस कार को अल्फा प्लेटफॉर्म के तहत डिजाइन किया गया है। इसी प्लेटफॉर्म पर भारत में अभी तक काफी महंगी महंगी कारें तथा इको स्पोर्ट्स के फैसली वेरियंट को भी तैयार किया गया है। ग्लोबल NCR के तहत इस कार को पूरे 5 की रेटिंग मार्केट में दी गई है, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस कार में आप सभी को डुअल फ्रंट एयरबैग्स के साथ ही साथ साइड एयरबैग सुविधा, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, पुश एंड स्टार्ट स्टॉप बटन, IFSO चाइल्ड फिक्स लॉकिंग सिस्टम तथा सनरूफ की सुविधा के साथ 360 डिग्री व्यू कैमरा इस कार को काफ़ी एडवांस सेफ्टी फीचर्स के मामले में भारत में बनाने वाले हैं। कीमत तथा लॉन्चिंग की बात करें तो भारतीय बाजार में जैसे कि इस कार को जुलाई के स्टार्टिंग में आप सभी के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इस कार का आप सभी को दोस्तों थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा। कीमत की बात करें तो न्यूज रिपोर्ट सूत्रों का मानना है कि भारत में इस कार को इको स्पोर्ट से नीचे पोजीशन में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तथा इस कार की कीमत भारत में 4 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये के अंतर्गत निश्चित तौर पर एक्स शोरूम प्राइस के साथ मार्केट में लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। तथा इस कार के टीजर को आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। ये कार आप सभी को कितनी खूबसूरत लग रही है। इस कार की प्री बुकिंग जैसे कि जल्द से जल्द आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाली है। तथा आप इस कार के पहले ग्राहक बनने का सपना अगर अभी तक देख रहे हैं तो सिंपली हमारे चैनल के माध्यम से ये सपना आपका पूरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सिंपली आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाना है, ज्यादा काम नहीं करना, बस अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करना है, ताकि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊं तथा आपको लिंक दे पाऊं जहां से आप विजिट करके इस कार को बिना किसी चक्कर में पड़े डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बुक कर पाए। बुकिंग करने के लिए दोस्तों सिंपली कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के साथ। धन्यवाद।